जयपुर की विशेष अदालत ने अजमेर बम धमाके मामले में दो दोषियों को सजा सुना दिया। कोर्ट ने देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि तीसरे दोषी सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने असीमानंद समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। आज का फैसला जो कि बहुत समय से प्रतीक्षित था, ये आज अदालत ने फैसला देकर के उसका पटाक्षेप किया है और देवेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ बाबी उर्फ रमेश और भावेश अरविंद भाई पटेल को दोषी मानते हुए, भावेश अरविंद भाई पटेल को 7 साल की सजा और देवेंद्र गुप्ता को 5 साल की सजा दी है। साथ ही एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट की सेक्शन 3 और 4 में भी उनको कन्विक्ट किया गया है दोनों को। ने देवेंद्र गुप्ता को धारा 16 रेड विद 120B के तहत उम्र कैद की सजा दी है और धारा 18 के तहत 5 साल की सजा दी है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत। भावेश पटेल को 16 में उम्र कैद और धारा 18 में 7 साल की सजा दी है। सर आप लोग हाईकोर्ट जाएंगे? सर हाईकोर्ट, अरे भाई हर एक्यूज का राइट है हाईकोर्ट जाना, डेफिनेटली दे विल गो टू द हाईकोर्ट। हमारे वकील साहब ने सारी बात रख दी है, उनका जो विचार है वही हमारी बात समझ। आप अपने आप को दोषी मानते हैं कि नहीं मानते? अभी नहीं। क्यों? झूठा फंसाया गया है।